हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं गोले को काट रही हूँ, जो सूखा नारियल होता है ना उसको काट रही हूँ। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबको राम राम। और ये मैं बना रही हूँ सौंठ के लड्डू। तो इसके लिए मैं गोले को काट रही हूँ, काट के इसको मिक्सी में पीस लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी लड्डू। तो चलो बनाते हैं। ये मेरा आधा सा गोला रह गया था, मैंने इसको काट लिया। तो एक गोले को काटा मैंने और अब मैं यहाँ पर आ गई रसोई में। तो मैं बना रही हूँ अब लड्डू। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पास, थोड़ा एक चम्मच घी डालूंगी इसके अंदर। और घी डाल के ये मेरे पास हैं थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और तिल और सौंठ। तो इससे मैं बनाऊंगी लड्डू। पहले मैं भूनूंगी बादाम और काजू और तिल, इन सबको मैं भून लूंगी। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और ये फ़ायदा भी करते हैं। गुड़ है इसके अंदर। और 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़, और उससे मैंने ये बनाए लड्डू। ये आपके हड्डियों के लिए, जिनके दर्द होता है, जैसे मेरे दर्द होता है, तो सौंठ आराम करती है। इधर शर्मा जी क्या केतली में गर्म पानी किया है और तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए पानी गर्म करके अब लेंगे दवाई। इसके लिए बना रही हूँ मैं लड्डू, क्योंकि सुबह को एक लड्डू लेंगे तो इनको आराम आएगा, मेरे को भी, इनको भी, सबको, बच्चों को भी। तो ये है तिल, और ये तिल भी मैं चटका लूँगी, अच्छे से भून लूँगी इनको। और भूनने के बाद मैं इनको मैं ठंडा कर लूँगी और मिक्सी में इसको पीस लूँगी। ये हमारे, अब हमने इसके ऊपर 1 किलो आटा है ये, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। पहले मैं थोड़ा सा बिना घी के भूनूंगी, फिर मैं इसमें डालूँगी घी। पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी बिना घी के, और उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक पेटीएम और एक गूगल पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। मेरे हस्बैंड को भी, कितने भी होशियार हो, वो ऐसे तरीके से बात करते हैं ना कि बिल्कुल आदमी समझ जाए कि हाँ मेरा ही एक रिश्तेदार है, जबकि मेरे भांजे कभी भी कॉल नहीं करते। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, डाली है, उसको ज़रूर देखें और उसको जगह जगह शेयर करें, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम चलता है। तो कई बार लोगों के पैसे लुट जाते हैं, बैंक से अकाउंट्स खाली कर देते हैं। तो वो मैंने वीडियो डाली है, उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ मैंने चाशनी के लिए, चाशनी नहीं बनाऊंगी इसको, हल्की एक तार वाली जैसे होती है ना, तो वो वाली चाशनी इसकी गुड़ की बनाऊंगी। इसमें डालूंगी थोड़ी सी 2 चम्मच चीनी और बस इसको मैं, बस ये मैंने थोड़ी सी ये 2 चम्मच चीनी है, क्योंकि बड़ी वाली चम्मच है, तो लगभग ही मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। और डालूंगी पानी इसमें 1.5 गिलास, 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। और इसको मैं रख दूंगी गैस के ऊपर। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार होते हैं, जैसे गांव में बनाते हैं ना, खाते हैं लोग, एक गिलास ले लिया लस्सी का या दूध का, उसके साथ खाते हैं ये लड्डू। बहुत फ़ायदा करते हैं सर्दियों में, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं, सौंठ। और सर्दियों में सौंठ तो वैसे ही फ़ायदा करती है। बस मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, फिर थोड़ा सा फिर डालूंगी। पहले मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से, और उसके बाद मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी इसमें।
मतलब घी इसमें मैं कम डालती हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल घी में भून सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा घी के ना, मेरी बेटी खाती नहीं है ज़्यादा घी, तो उसके लिए ना मैं ये लड्डू, अब मैंने इसमें तिल डाल दिए, भुने हुए तिल है, इसमें मैंने डाला ये सौंठ, ये काजू बादाम, और इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी सूखा नारियल, और ये है जो घर में नारियल होता है ना, गोला जिसको बोलते हैं, वो ये मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उधर हमारी चाशनी बन रही है, तो हमने इसको मिक्स कर लिया सारा। और बाद में मैंने 2 चम्मच घी और इसमें डाला था, तकरीबन इसमें मैंने 4-5 चम्मच घी डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी ये हल्की गुनगुनी सी है, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, मतलब ये चिपकने लग जाए बस, और ज़्यादा नहीं इसको बनाते। और इसको सबको मैं मिक्स कर लूँगी। आपको लग रहा होगा इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, अच्छे से लड्डू बनके तैयार होते हैं इसके। तो मैं कमरे में आके अब मैं बना रही हूँ लड्डू, और शर्मा जी इधर सो रहे हैं, कि शाम के, रात के बज रहे हैं 9-9 बजे मैं ये लड्डू बना रही हूँ, 9-9:30 हो रहे हैं, ये लड्डू मैं बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा गर्म है तो ये हाथों को, ये हमारे बन चुके हैं इतने सारे लड्डू। और अब सिखा भी बनवा रही है, ये देखो सिखा भी लग गई है बनवाने लड्डू। मुझे लगा आटा भुन जाता है ना, ज़्यादा टेस्ट आता, कच्चा कच्चा फिर अच्छा भी नहीं लगता। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ सबको